नागपुर नगर निगम ने शहर में पर्यावरण हितैषी गणेश विसर्जन की तैयारी की है। नगर निगम की इस पहल को नागरिकों के साथ साथ गणेश मंडलों का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। नागपुर में सभी तालाबों में टीन के शेड लगाकर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई है और गणेश विसर्जन के लिए भक्तों के लिए जोन स्तर पर 4 फीट गहरे 350 कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई है। नागपुर नगर निगम के आयुक्त एवं प्रशासक श्री राधाकृष्ण बी उन्होंने सोमवार 5 सितंबर की सुबह गणेश विसर्जन व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक। इस बैठक में अपर आयुक्त श्री राम जोशी, मुख्य अभियंता श्रीमती लीना उपाध्याय, उपायुक्त श्री रविंद्र भेलावे, उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल सहित सभी अंचलों के सहायक आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता मुख्य रूप से उपस्थित थे। आयुक्त एवं प्रशासक श्री राधाकृष्ण बी उन्होंने बैठक में कुछ खास निर्देश दिए। 4 फीट से कम की सभी मूर्तियों को एक कृत्रिम टैंक में विसर्जित किया जाना चाहिए। साथ ही 4 फीट की गणेश मूर्ति कोराडी और अन्य स्थानों पर कृत्रिम झील में विसर्जित किया जाएगा। कोराडी के क्रेन, बैरिकेटिंग, रोशनी जैसी सभी तरह की व्यवस्था की जाए। आयुक्त एवं प्रशासक श्री राधाकृष्ण बी ने निर्देश दिया कि गणेश मंडल के पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि कोई परेशानी न हो। इसके अलावा आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता को नागपुर शहर के सभी गणेश मंडलों से जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मंडलों के श्री की मूर्ति का विसर्जन कहाँ होगा और किस तरीके से मूर्ति विसर्जन किए जाएंगे। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को गणेश उत्सव को पर्यावरण हितैषी तरीके से मनाने के प्रयास के निर्देश दिए। उपर आयुक्त श्री राम जोशी ने कहा कि नगर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई है। चारों ओर मैदानों में कृत्रिम तालाब भी लगाए गए हैं। शहर की अन्य झीलों सहित फुटाला, सोनेगांव, सक्करदरा और गांधीनगर की प्रमुख झीलों पर लोहे की टंकियों की व्यवस्था की गई है। विसर्जन के साथ साथ शुद्ध पानी के संग्रह के लिए कृत्रिम झील के स्थान पर कलश भी रखे गए हैं। नगर निगम के कर्मचारी व स्वयंसेवी निर्मल्या जमा करेंगे। कृत्रिम तालाब स्थानों पर लोहे की मजबूत बैरिकेटिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा विसर्जन क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट की जरूरत होगी। जगह जगह कई कलश रखे गए हैं। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्था का भी सहयोग मिल रहा है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।